दोस्तों बॉलीवुड की यह खूबसूरत और मशहूर अभिनेत्री मशहूर अभिनेता गोविंदा के प्यार में बुरी तरह से पागल थी। चार साल तक करती रही गोविंदा का इंतजार। लेकिन पूरी खबर जानने से पहले आपको भी गोविंदा अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बॉलीवुड के सबसे ज्यादा वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक रहे हैं अभिनेता गोविंदा, जिसकी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग हर तरह के लोगों में देखने को मिलती रही है। क्योंकि गोविंदा को किसी भी फिल्म में कैसा भी किरदार दिया जाता था, वह उसे बखूबी निभाने में कामयाब रहे हैं और इसीलिए बड़े डायरेक्टर्स उनके साथ ही ज्यादा फिल्में करना चाहते थे। गोविंदा को एक्शन सीन्स, कॉमेडी, रोमांस और सीरियस रोल्स में बहुत बार देखा जा चुका है और यही बात उन्हें बाकी अभिनेताओं से हमेशा अलग बनाती आई है। लेकिन अपनी निजी जिंदगी में गोविंदा भी ऐसी हरकतें कर बैठे हैं जिनके बारे में उनके फैंस आज तक नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ बात करें एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिसके साथ गोविंदा रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं। इस अभिनेत्री के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। उनका नाम रानी मुखर्जी है, जो कि बॉलीवुड की मशहूर और बड़ी अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। गोविंदा और रानी मुखर्जी को एक साथ काम करना बहुत पसंद भी था और इसीलिए 90 के दशक में इस जोड़ी को फेमस जोड़ी का खिताब भी दिया गया था। दोनों सेलिब्रिटीज की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी बढ़िया थी कि इन्हें देखने के लिए ही दर्शक थिएटर्स में पहुंच जाया करते थे, फिर चाहे फिल्म की स्टोरी कोई भी क्यों ना हो। एक समय तो ऐसा भी था कि रानी मुखर्जी गोविंदा से बेहद ज्यादा प्यार करने लगी थी और वह चाहती थी कि गोविंदा उनके साथ शादी कर ले। लेकिन गोविंदा उस समय पहले से ही शादीशुदा थे और ऐसा करने के बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकते थे और उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया था। खबरों की माने तो उन दिनों में कहा जाने लगा कि रानी मुखर्जी गोविंदा के प्यार में इस कदर पागल हो गई हैं कि वह उनके बिना रह ही नहीं पा रही। किसी भी काम में रानी का मन नहीं लगता था और इसी वजह से उनके हाथ से कई बड़ी फिल्में भी एकदम से निकल गई थी। लेकिन रानी को उसकी कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह अभी भी इसी कोशिश में थी कि कहीं गोविंदा उनके जीवन साथी बनने के लिए तैयार हो जाएं और वह उसी में पूरी तरह से खुश रहेंगी। लेकिन फिर गोविंदा ने एक दिन रानी के घर जाकर उन्हें अच्छे से समझा दिया कि अब उनके बीच कोई भी रिश्ता नहीं रहा और शादी की बात तो बहुत दूर रही। रानी मुखर्जी भी उस बात को समझ गई और उन्होंने उसके बाद गोविंदा के साथ काम करना तो दूर, उन्हें बुलाना भी एकदम छोड़ दिया। तो दोस्तों, आपके गोविंदा और रानी की प्रेम कहानी के अधूरे रहने पर क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ताज़ा खबरों के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। दुनिया भर की वायरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।